नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान और मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण की जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ग्वालियर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में ग्वालियर में पल्स पोलियो अभियान 19 जनवरी 2020 और मिशन इंद्रधनुष 2.0 के द्वितीय चरण की जिला टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा ने गत माह 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2019 तक चलाए गए मिशन इंद्रधनुष 2.0 की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान WHO के MSO डॉक्टर MS राजावतन ने जो सुधार और सुझाव दिए या जो कमी बताई उनको बिंदुवार समीक्षा की गई, जिसमें जिन ANM का काम उक्त अभियान संतोषजनक नहीं पाया गया उनका एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ANM के क्षेत्रों में 3 या 3 से अधिक बच्चे छूटे उन 9 ANM का 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए तथा सेवा से समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर को दिए हैं। ग्वालियर के तिगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुलेत में ट्रांसफार्मर से निकले करंट की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक के शव को PM के लिए भिजवा दिया है। मेरा नाम रायन श्रीवास्तव है, मैं नगर निगम में जॉब करता हूँ। हाँ। वो पता लगा कि वो ऐसे ऐसे आए तो 3 जगह डॉक्टर उन्होंने बना कर दी। क्या नाम है बेटे का आपका? मेरा भाई है। क्या नाम है? सोनू श्रीवास्तव है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, काम में ही रहता है। तो कैसे, क्या घटना हुई है? वहाँ कुछ DP पे तार वगैरह निकले डले होंगे। हाँ। उनको जरा जोड़ा जाली कर रहा है, उसने करंट लग गया है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर पर ही रहता है, पढ़ रहा है। नगर निगम में आप किस पोस्ट पर हैं? मैं तो पीन हूँ। लगभग कितनी उम्र होगी आपके भाई जी? 20 साल है। 20 साल अभी क्या स्थिति है भाई की? डॉक्टर ने मना कर, डॉक्टरों ने मना कर दिया। बीना शहर के विकास कार्यों को लेकर बीना नगर पालिका की परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष संजय सिंह ने की। पालिका द्वारा पूर्व में स्थगित नगर पालिका की साधारण परिषद की बैठक आज 31 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। नगर पालिका के समस्त पार्षदों का आधा घंटा तक इंतजार करने के उपरांत अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं आने की स्थिति में जिला योजना समिति के सदस्य एवं पार्षद श्री अजय ठाकुर द्वारा वरिष्ठ पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष श्री संजय सिंह को इस साधारण सभा की बैठक हेतु अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव पेश किया गया और उपस्थित सभी पार्षदों ने ध्वनि मत से इसको मंजूरी देते हुए संजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न कराई गई। परिषद की साधारण सभा की बैठक में पूर्व के एजेंडा के अनुसार 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 26 जनवरी पे कांग्रेस बहिष्कार नहीं कर सकती तो मनाएगा कि जिसको जाना जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। उसके बाद भी हम लोग आए 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल हुए। बात कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है, कई इशू ऐसे रहते हैं। जैसे अभिषेक ने बहुत अच्छी बात कही थी, अभी कर रहे थे अभिषेक, क्या कह रहे थे कि हम लोगों का यह है कि मनभेद नहीं हो, मतभेद नहीं हो, बस वही तो हम लोग चाहते हैं। कई चीजें परिस्थिति गलती सबसे होती हो जाती, कई चीजें हो जाती, लेकिन उनका सॉर्ट आउट समापन हमें मतलब करना चाहिए। हम बस अब आपसे यही, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते, सिर्फ यही बात करते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। कहता हूँ कि व्यक्तिगत मेरे द्वारा, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथियों द्वारा, अन्य और साथियों द्वारा किसी को कोई ठेस पहुंची हो सम्मान में, वहां जोड़ कर उनसे क्षमा चाहते हैं। आप सभी ने बड़ा प्रेम स्नेह दिया, कई गलतियां स्वाभाविक हो जाती है, करते नहीं है, परिस्थिति बना देती है, इस तरीके की बात आ रही। सभी लोग शहर के विकास में अपना काम करें, सद्भाव दें और एक बार पुनः उन लोगों को भी जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है उनके लिए भी नए साल की शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। सब विकास करें, सब प्रगति के पथ पर कार्य करें, ऐसी हम लोग की मंशा है। और जो लोग नहीं आए हैं दिल से, आप भगवान करें आप उनको, आपको और ऊंचे पहुंचाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरी बहन श्रीमती अभिलाषा कुछ लाभ मिलेंगे और पार्षद श्रीमती चंदा चढ़ा जी, आप सभी ने 5 वर्ष, हाँ अरे छोटे भाई नहीं दिया, हाँ जी मधुर और छोटा, सबसे छोटा पार्षद था नगर पालिका का, श्रीमती लीलाबाई जी,
बता रहा हूँ मैं आपको कि जब 2 तारीख को परिषद का प्रथम सम्मेलन हुआ था उसको भी मैंने लिपिबद्ध किया था। बहुत बहुत और परिषद भंग होने की गतिविधि को भी मैंने ही लिपिबद्ध किया। ये संयोग है हत्या करके फरार हुए 2 आरोपियों को कंपू थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हत्या करके फरार हुए 2 आरोपियों को शहर की थाना कंपू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला ग्वालियर का है। आपको बता दें कि पैसे की लेन देन को लेकर 27 दिसंबर को राजीव नगर गुड़ागुड़ी का नाका के पास रहने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मुन्ना खान और उसके बेटों ने बजरी गिट्टी सप्लायर राम नरेश गुर्जर की घर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्याकांड में गवर्नमेंट कलेक्टर मुन्ना खान और उसके 2 बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था और हत्या के 1 आरोपी अकरम उर्फ सोनू खान को बीते दिनों गिरफ्तार कर लिया था। आज गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर से 2 अन्य फरार आरोपियों को कंपू थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी मुन्ना खान और उसका बेटा राजू खान हत्या के बाद से ही फरार चल रहे थे। सूचना मिली थी कि 27 तारीख को जो हमारे यहाँ हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड के 1 आरोपी को 29 तारीख को पकड़ लिया था। शेष 2 आरोपी नए वर्ष में सोचकर घर पर आए थे कि हम लोग अपना सामान समेट लेंगे। पुलिस प्रातःकाल सो रही होगी अपने घर पर, लेकिन उनको अंदाज नहीं था। मुखबिर के द्वारा हमें बिल्कुल सही टिप दी गई। टिप के आधार पर दोनों आरोपियों को फिरंगी में से गिरफ्तार किया। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक पावर बैंक चार्ज होने के दौरान फट गया। इस दौरान यहाँ मौजूद TI भी बाल बाल बच गए। नहीं, हम तो बस थाने पे खड़े ही हैं, बस 2 मिनट में। ठीक है, कल हमारे एक आरक्षक थे, वो अपनी पावर बैंक से अपना मोबाइल चार्ज कर रहे थे और पावर बैंक को चार्जर में लाइट में लगा रखा था। उसी समय अचानक उसमें विस्फोट हो गया जिससे एक घटना घट गई थी और बार बार बच गया आरक्षक। पति से झगड़ा होने पर एक पत्नी ने फूलबाग बोट क्लब में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे देखते ही पुलिस को सूचना कर दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने उसे पानी से बाहर निकाला। चोरों द्वारा आदर्श कॉलोनी मोहल्ले में लगातार 2 स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों रुपए का माल चोरी कर लिया गया। बामूर से शिवशंकर खिचवरे की खास खबर। और गत रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा आदर्श कॉलोनी मोहल्ले में लगातार 2 स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर वहां से 1 लाख रुपए नकदी तथा 2 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए गए। फरियादी द्वारा उक्त घटनाओं की रिपोर्ट बामूर थाने में करा दी है। पुलिस ने फरियादियों से आवेदन लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विदित हुआ है कि चोरों ने पहला निशाना गिर्रा शिवरे के घर से लगाया जहां से अज्ञात चोरों द्वारा बक्से में रख के 70,000 नकदी एवं 2 सोने की जंजीर, 2 सोने की झुमकी, 1 मिक्सी मशीन, 3 अंगूठी तथा पायजेबी एवं कपड़े वगैरह चोरी कर बक्से में
खेतों में डाल गए चोरी की जानकारी गृह स्वामी को सुबह 6 बजे लगी। उसने उठकर देखा कि चोर उनकी माताजी अंगूरी शिवरे का बक्सा ही उठाकर ले गए हैं। दूसरी घटना इसी मोहल्ले के गौरव साहू की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा दुकान में अपनी माताजी के इलाज के लिए रखे 30,000 नकदी एवं दुकान में रखा फ्रिज, LCD, पेटिस मशीन, बिस्कुट वगैरह चोरी कर ले गए। चोरों की जानकारी गौरव साहू को सुबह 6 बजे लगी। जब ग्राहक उसकी दुकान से सामान खरीदने के लिए आए तो गौरव साहू ने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है तथा सामान बिखरा हुआ है। दुकान में रखा सामान भी गायब है। घटना की रिपोर्ट गौरव साहू द्वारा बामुर थाने में करा दी है। पुलिस ने फरियादियों से आवेदन लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस बारे में प्रभारी TI जितेंद्र सिंह मावई का कहना है कि कस्बे में हुई चोरियों की घटनाओं को आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कराई जा रही है। 30,000 रुपए रखे थे, वो क्या दुकान के थे, काहे के थे, कहां रखे थे ये? हम लाए थे पापा की तबीयत के लिए। हाँ। पापा गिर पड़े थे, उनके कंधों में चोट आ गई थी, इसलिए 30,000 रुपए रखे थे इसमें। अच्छा, पापा के इलाज के लिए पैसा रखे थे आपने? के लिए पैसा रखे थे 30,000 रुपए। अच्छा, वो चोर ले गए सभी? हाँ, वो ले गए। अच्छा। गौरव हाँ। गौरव बताओ, क्या घटना घटी, कैसे चोरी हुई है? हम ग्वाले से आए थे, रिश्तेदार के यहाँ से। हाँ। रिश्तेदार थे और हम लोग थे। हाँ। रात को यहाँ बैठे। हाँ। दुकान में सामान दबका था, कुछ पैसे भी लेके आए थे। दुकान कितने बजे बंद की आपने? दुकान हम आए थे 8:30 बजे करीब आए थे। हम आधा एक घंटा रुके यहाँ। हाँ। उसके बाद में रिश्तेदार को कहने लगे ठंड लग रही है। हाँ। तो हमने अंदर खाना माना खिलाने के बहाने अंदर गए। अंदर फिर मैंने कही चलो बिस्तर पे चाह लो, सो गए। जहाँ रहते पापा गिरिराज शिवरे। गिरिराज बताओ, क्या घटना हुई रात को? ये रात को करीब 2 बजे की घटना है ये। 2 बजे लगभग ऐसा लगता है, क्योंकि 1 बजे तक तो मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा था। उसके बाद फिर ये घटना हुई, वो जो है ऊपर से कूद कर और कुंडी तो को। चोर कहाँ से आए थे? ऊपर से आए थे। हाँ, आम ये डंडा थोड़ा सा कम ऊंचाई का, उसमें फांद के चढ़ के। क्या सामान ले गए चोर? सामान में सर वो एक मिक्सी ग्राइंडर था और एक बक्सा ले गए। वो बक्सा ले गए? बक्से में क्या था? बक्से में जो है साहब जेवर था। हाँ। दो चैन थी। और जेवर किसका था? जेवर माताजी का था। अच्छा, और नकदी? नकदी 74,000 रुपए करीब थे उसमें। हाँ, तो बक्सा आपको कहाँ मिला ये? बक्सा हमको जो है रवि स्टूडियो के दुकान में चोरी हुई थी, वहाँ अंदर मिला था। अच्छा, वहाँ मतलब काफी दूर पर डाल गए बक्से को ये? हाँ, बक्से को दूर पर डाल। बहुत देखा हमने पुलिस को, 100 को फोन किया। उसके बाद चोरी की जानकारी कितने बजे हुई आपको? मेरे को करीब 4:45 बजे। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने जो है तुरंत 100 डायल किया। एक 15-20 मिनट बाद तो वो लगा नहीं। फिर 15-20 मिनट किया तो फिर नहीं लगा था वो। फिर वो जाके 655 पे 100 डायल लग गया था और पुलिस उसके 15-20 मिनट बाद आ गई। पुलिस आ गई थी। हाँ, तो पुलिस ने मौका मना कर लिया। हाँ, मौका मना कर लिया, पुलिस आ गई थी। बताइए गिरिराज, इसमें चोरी में कितने सामान चाहिए, कितनी चोरी हुई आपकी? चोरी में लगभग लगभग मान के चले 74,000 रुपया तो थे और नकदी थी 74,000 रुपये की। और जो है दो चैन थी 1.5 तोला की। जेवरात कितने का होगा? जेवरात लगभग ये मान के चलो 1.25 से 2 लाख रुपए तक का। 2 लाख रुपए का जेवरात। हाँ। और 74,000 रुपये नकदी। हाँ, ये सारा सामान बक्से में रखा हुआ था? हाँ, बक्से में रखा था। ओनली बक्सा उन्होंने लिया है और बाकी नहीं छुआ सेंटर वेंटर। तो ये जो चोर जो आपके पास आए थे बक्से को लेके, तो उसमें क्या आप सो रहे थे क्या? क्या? हाँ, बिल्कुल तरह से सो रहे थे, हमको कतई नहीं मालूम पड़ा। जानकारी नहीं हुई आपको? हाँ, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी कि वो कितनी देर रहे थे और कितने देर अंदर रुके या कितनी देर में वो ले गए। हमको तो 4:45 बजे जगह जब मालूम पड़ा जो बक्सा नहीं था, उनके निशान थे बस। और बक्सा तो कतई मिला ही नहीं था। बक्सा तो जो दूसरी जगह चोरी की रिपोर्ट करा दी आपने? हाँ, हम जो है एप्लीकेशन उन्होंने थाने वालों ने हमसे लिखवा के ले ली है। और जो कि गुर्जर साहब जो प्रभारी TI हैं वो आ जाएंगे, सो हमको शाम को बुला के आपकी FIR दर्ज कराएंगे। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।